संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को तीन बातों पर ध्यान देने को कहा है। पीएम मोदी ने सांसदों को कहा है कि अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स पर ध्यान दें, खेलो इंडिया को बढ़ावा देने पर सांसद जोर दें। संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। ओलंपिक में पहली बार इतनी कामयाबी मिली है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। ये भी कहा है जैसे ही बैठक में विजेता खिलाड़ियों की प्रेजेंटेशन सामने आई, उनका स्वागत किया गया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कई अहम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बोली है। तीसरा, खेल इंडिया पर सांसद जरूर ध्यान दे। और ओलंपिक में पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी भारत को मिली है, 7 मेडल इस बार ओलंपिक से मिले हैं भारत को। बैठक में विजेता खिलाड़ियों को लेकर उनका स्वागत किया गया है। संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत भी की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में ओलंपिक में जो यश मिला है इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, इतिहास में पहली बार बहुत बड़ी मात्रा में भागीदारी हुई है, 128 लोगों ने भाग लिया, सभी मेडल लाने वाले खिलाड़ियों का खड़े होकर स्वागत भी किया गया है। आपको यह भी बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सांसदों, ये एक जो धारणा बनी हुई है कि खिलाड़ी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर सांसद अपने क्षेत्र में खिलाड़ियों को बढ़ावा दे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अमित का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को भी नसीहत दी है कि अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को बढ़ावा दें और जो एक बार इस बार इतिहास रचा गया है उसका भी जिक्र किया, एक नया जोश एक नया यश देखने को मिला। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि एक बड़ा मौका है, ऐतिहासिक मौका है कि हम लोग को जो है 128 लोगों ने भाग लिया और सबसे ज्यादा मेडल भी मिले। उन्होंने कहा कि वक्त है कि हम लोग जिस तरीके से क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं, उसी तरह से हमें दूसरे खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब 13 तारीख को जब सेशन खत्म होगा, 15 अगस्त के बाद सब लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे, तो तीन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दें। पहली चीज है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों को मेडिकल सुविधाएं, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर की चर्चाएं हैं, तो ऐसे में लोगों को मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सांसदों की जिम्मेदारी है कि वो उसको बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तीसरी चीज जो बच्चों के पोषण की बात है उस पर भी विशेष ध्यान दें। आप जब संसद के संसदीय क्षेत्र में जाएंगे तो पोषण पे, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि खेल, खेल को बढ़ावा देने के लिए जो खेलो इंडिया शुरू किया गया था, खेल को अपने अपने क्षेत्र में बढ़ावा दीजिए। सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि तमाम जो छोटे खेल हैं जिसमें बड़ी संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको बढ़ावा दीजिए। तो ये बड़ी चीजें प्रधानमंत्री ने कही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी नाराजगी भी प्रधानमंत्री मोदी ने जताई है। जो जिस तरह से जो रिफॉर्म्स बिल कल जिस राज्यसभा में हुआ था जिसमें जो कई सांसद राज्यसभा के गायब थे, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताते हुए बाकायदा उन सांसदों की लिस्ट मांगी है जो कल राज्यसभा में अनुपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यही एक उपाय है जब सांसदों को बताना पड़ेगा, क्योंकि सांसदों की जिम्मेदारी है कि सदन के दौरान वो उपस्थित रहे, लेकिन सदन नहीं में जब बिल पास होना था, जब उस पर वोटिंग मांग ली गई, तब कई बीजेपी सांसद नदारद थे, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री काफी नाराज दिखे और उन्होंने इस बात की चर्चा भी संसदीय दल की बैठक में की।